नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन में आगे है। ऐसा लगातार तीसरी बार है कि यूपी मानवाधिकारों के उल्लंघन में अव्वल है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की ओर से दर्ज वार्षिक रिपोर्ट में करीब 40% मानवाधिकार उल्लंघन के मामले अकेले उत्तर प्रदेश से हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 8 दिसंबर को राज्यसभा में जो आंकड़े पेश किए थे उनसे ये जानकारी मिली है। डीएमके सांसद एम षणमुगम ने सवाल किया था कि क्या देश में लगातार मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में इजाफा हो रहा है। इसके जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा था कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में जानकारी और जांच को अनिवार्य किया था। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक NHRC ने इस साल 31 अक्टूबर तक देश में मानवाधिकार उल्लंघन के 64,170 मामले दर्ज किए थे। इनमें सबसे ज्यादा 24,242 मामले सिर्फ यूपी के हैं। आंकड़ों की बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से ह्यूमन राइट्स उल्लंघन के साल 2018-19 में 89,854 मामले दर्ज किए गए थे। साल 2019-2020 में यह संख्या घटकर 76,628 और 2020-21 में घटकर यह संख्या 74,968 हो गई। इन कुल मामलों में से उत्तर प्रदेश में साल 2018-2019 में 41,947, साल 2019-2020 में 32,693 मामले और साल 2020-21 में 30,164 मामले और साल 2022 अक्टूबर तक 24,242 मामले दर्ज हुए थे। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।